तो इंडिया में 1,20,000 में तो हम गाड़ी पूरी नहीं खरीद ले लेकिन यहाँ के डोंग जो है उनमें 1,20,000 में दे रहे हैं भाई साहब। तो इस गाड़ी की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, पता चले बाद में उनको चूना लगाएं। और ये मार्केट के पास में है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कौन सी मार्केट के पास में है। ये वाइट विला है, इसके पास में है। और देख लो ये बाइक कैसी है, किस कंडीशन में। गुड बाइक, इज इट गुड? इनको बहुत अंग्रेजी आती होगी, इतने बड़े तो अंग्रेज हैं ये। गुड कंडीशन, पहले चलवा के देख लीजिए इन्हीं से गाड़ी खरीदने से पहले, यहाँ ट्रांसलेट करके पूछ लो ताकि ये बता दें। वेयर 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 इज पेट्रोल पंप? ओके थैंक यू। तो अभी हम आ गए हैं तेल भराने के लिए, देखें कि यहाँ का तेल कितना है। 4 करोड़ का तेल हो गई होगा जब इंडिया में इतना महंगा है तो यहाँ भी 5-6 करोड़ का तो हो गई। कितना 9 लिखा हुआ था भाई? अबे वो तो खोलो, वो भाई साहब बोल रहे खोलो। 10 का जल्दी से नोट निकालो, 10 का 9 तक का गया है, 9 तक का नहीं, 4-5 खर्चा हो रहा है, 4-7 करके है कुछ। ये तो बहुत लिखा हुआ है। अबे 4 वियतनाम को तो मैंने कभी सोचा भी नहीं थी ये भी कोई खास देश होगा, लेकिन छोटा सा देश है लेकिन समृद्ध है। ये वही देश है जिसने अमेरिकन्स को लड़ाई में घुटनों पे ला दिया था। और यहाँ की ऊंचे-ऊंचे पुल, ऊंचे-ऊंचे बिल्डिंग, सफाई और इतना खूबसूरत था कि पूछिए मत। बस यहाँ ये ध्यान रखना था कि ड्राइविंग उल्टी साइड में होती है। जो उन तो दोस्तों हमें गोल्डन हैंड ब्रिज पे जाना है, और अभी हम लोग अपने हॉस्टल से निकल चुके हैं गाड़ी रेंट लेके। हम लोगों को ऑल अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए था, करीब 38 किलोमीटर, 1.5 घंटे का समय लगेगा। और मीनवाइल आप बाइक से चूँकि जा रहे हैं तो खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं इस खूबसूरत शहर का। जैसे ही आप शहर से बाहर निकलेंगे तो आपको खूब हरियाली मिलेंगी, छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे, और सड़कों पर इतना ज़्यादा भीड़ होती भी नहीं है। और खूब एकदम रफ्तार में हम लोग गाड़ी चला के डायरेक्टली उधर ही पहुँच रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं हिंदी माध्यम से, तो आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो विश मी लक फॉर दिस जर्नी। सॉरी यहाँ पे आप आके पहले गाड़ी पार्किंग करिए, फिर आके आपको यहाँ पे देखते हैं कितना करीब करते हैं हमको ये। तो यहाँ आप टिकट देख ही सकते हैं, करीब 1,090,000। तो दोस्तों ये इतना पैसा खर्चा करने के बाद आप इस गोल्डन ब्रिज पर पहुँच जाएंगे। इस गोल्डन ब्रिज का हमारा जो सफ़र है वो आप अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसकी पूरी पूरी जर्नी, पूरी डिटेल, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रहा हमारा पूरे दिन का सफ़र अगली वीडियो में। तो प्लीज़ अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।